अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं फहीमुद्दीन सैफी दिल्ली से। आप सबको जिस तरह से जानकारी होगी कि कल रात को पुरानी दिल्ली के लालकुआ क्षेत्र में दो लोगों का झगड़ा हुआ और वो झगड़ा किस तरह सांप्रदायिक दंगा बना, किस तरह उसने सांप्रदायिक दंगे का रूप लिया। दो लोगों का आपस में झगड़ा था, उन दोनों को रात को MLC के लिए भेजा गया और सुबह यानी कि आज दोपहर जब मैं पुरानी दिल्ली पहुंचा तो मुझे वहाँ जानकारी मिली कि दोनों परिवारों को बुलाकर समझौता कराकर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उनको उनके घर भेज दिया गया है। और अब जो पुलिस कार्रवाई करेगी वो बिल्कुल उन लोगों पर करेगी, उनको चिन्हित करेगी CCTV के माध्यम से, जिन लोगों ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और होनी भी चाहिए। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि जो दोषी हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो निर्दोष हैं उनका कहीं से कहीं तक नाम ना हो। और मैं पुलिस प्रशासन से, क्षेत्रीय सांसद से और तमाम दोनों पक्षों के सीनियर लीडर जो वहाँ पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँगा हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे को मान सम्मान दें, किसी के कोई भी काम ऐसा ना करें कि उससे दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो हम लोग यही मैसेज एक दूसरे तक पहुँचाएँ कि बिल्कुल वहाँ शांति है, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग BC हैं, जो बैड कैरेक्टर हैं उस क्षेत्र के, जो शराब पीकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, दिल्ली पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी और इंशाल्लाह उन्हें जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले।